जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर से सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ मैं आज आप सभी को ये वचन देता हूं कि जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर करेंगे, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उन सभी के लिए हम कल अपनी मुख्य पूजा में भगवान विष्णु जी से और माता मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर परिवार में, आपके जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 30 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज अमावस्या तिथि शाम 4:07 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से लेकर 12:47 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहुकाल दोपहर 10:47 से लेकर 12:22 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज यदि कोर्ट में आपका किसी मुकदमे में फैसला आने वाला है तो आज ये फैसला आपके विरुद्ध आ सकता है, इसलिए आज आपका आगे की कार्रवाई की योजना बना लें। वकीलों की फीस भरने से आज आपका खर्चा भी अधिक होगा। आज कमर और घुटनों में दर्द के कारण आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे, इसलिए आज आप अत्यधिक काम ना करें क्योंकि काम की थकान से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आज आपके भाग्य का सितारा भी डूबा हुआ है और आज आपके बने बनाए काम भी अटक जाएंगे। नया घर या वाहन लेने के लिए भी आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। आज आप अपने माथे पर दही का तिलक अवश्य लगाएं। अपने गुरुओं और ब्राह्मणों की सेवा करने से आज आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और फिर भी आपकी शादी में देरी हो रही है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। भक्तगणों, इस चर्चा
को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु कुमार रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे आज कोई भी राशि का जातक कर सकता है, और यदि उसे घर में उसके परिवार में कलह चल रही है या दुख का माहौल बना हुआ है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। आज आपके घर में जो भी सुबह के वक्त प्रथम रोटी बने उसके चार टुकड़े कर लें। पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौवे को खिलाएं और चौथा टुकड़ा चौराहे पर जाकर रख दें। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी सभी समस्याओं में फायदा महसूस करेंगे और आपके परिवार में सुख का माहौल बनेगा। करुणा बोला, आप क्या करती हैं? मैं होम ट्यूशन लेती हूँ, टीचर हूँ। कहाँ रहती हैं? वैस पटेल नगर। तो आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था, और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ, और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं आई। कब से परेशान थी आप? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो आप रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को, 1st of January को, और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज एक है तो एक महीने में, मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताए करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की खोज और तपस्या से मनुष्य की परेशानियों को दूर करने का अद्भुत तरीका यज्ञ एवं मंत्र विज्ञान खोजा। पूरी दुनिया में अपने कष्टों को दूर करने का ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर आप अपने जीवन में पैसा, व्यापार, कैरियर, शादी, प्यार, ग्रहों का दोष, शत्रु या अन्य किसी समस्या से परेशान हैं, तो आप हमारे शनि मंदिर में गुरु रजनीश ऋषि जी और गुरु मां रुक्मणी जी से अपने ग्रहों की परेशानियों को दूर करने के लिए स्वयं आकर या ऑनलाइन विशेष यज्ञ अनुष्ठान कराएं। गुरु मां रुक्मणी जी अब तक विभिन्न प्रकार के हजारों यज्ञ और अनुष्ठानों को देशी और विदेशी भक्तों के लिए अपने पवित्र हाथों से सफलतापूर्वक संपन्न कर चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें